खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा तहसील की, जहां पर अध्यक्ष मेहनाज जहां ने डेंगू का प्रकोप बढ़ने के कारण नगर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाए जाने के संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। नगर क्षेत्रों में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते अभी तक नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी कैंप नहीं लगाया गया। सर, नगर में ये डेंगू के जो इस टाइम मलेरिया के प्रकोप में जो रोग चल रहे हैं, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? मैं अध्यक्ष पति मकसूद लाला, नगर पालिका परिषद टांडा। नगर टांडा व आसपास के क्षेत्र में डेंगू व अन्य बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, जिससे कि नगर टांडा में एकमात्र समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जिसमें बेहिसाब मरीज लगातार जा रहे हैं, वहां पर ना ही कोई दवाई की कोई अच्छी व्यवस्था और डॉक्टर भी बहुत कम उपस्थिति में हैं, और टांडा में के टांडा के मरीज मुरादाबाद जो कि गरीब मरीज हैं और वहां पर पैसे देने की इतने मरीज नहीं दे पाते, जिससे कि मैंने एक जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को एक पत्र के माध्यम से ये बतलाया है कि टांडा में डेंगू का कैंप व अन्य बीमारियों का कैंप लगाया जाए और डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए और दवाइयों का भी वहाँ ये टांडा में व्यवस्था की जाए, जिससे कि टांडा में हजारों की तादाद में जो मरीज हैं उनको सही लाभ और सही इलाज मिल सके। क्या आश्वासन मिला सर? अभी पत्र भेजा है, अभी आश्वासन आज उम्मीद है कि आश्वासन आज मिलेगा और उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्दी होगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से।